नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की साक्ष्य मूल्य क्या होता है। देखिए, हमने पीछे के वीडियो में भी डिस्कस किया कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में FIR लॉज कराना बहुत ही आवश्यक है एंड सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में पुलिस की ड्यूटी भी है, लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, FIR जो है, FIR इज नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये हुआ, जो भी तथ्य उसमें कहे गए हैं उनका वो कोई साक्ष्य नहीं है। द फैक्ट स्टेटेड इन द FIR इज नॉट द एविडेंस ऑफ इट। ऐसा नहीं कि FIR कोई एविडेंस नहीं है। यस, FIR इज द एविडेंस, बट FIR इज नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। सो FIR का एविडेंशियरी वैल्यू क्या क्या है? फर्स्ट जो है, दैट सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अंडर 157 जो है, FIR कैन बी यूज एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस, दैट द विटनेस जो ट्रायल के समय कह रहा है उससे पहले कभी कहा है, और FIR में भी अगर वो इन्फॉर्मेंट है उसने वही बात FIR में लॉज करवाई है, तो ये कॉरोबरेट करता है कि जो इन्फॉर्मेंट है और अब यहाँ पे विटनेस है वो शुरुआत से लेके अब तक सेम ही बातें कह रहा था। सो अंडर सेक्शन 157 इट कैन बी यूज एज ए कॉरोबरेटिव एविडेंस। सेकेंड पर्पज क्या है? अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सेक्शन 145 कहता है कि कोई भी राइटिंग जो है, प्रीवियस राइटिंग, वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज हो सकती है। सो सेक्शन 145 में सपोज इन्फॉर्मेंट आपका विटनेस है और उसने FIR के अंदर कुछ और स्टोरी बताई है और उसका वेरिएशन करके उसने जो है अपनी टेस्टिमनी दी है। सपोज उसने FIR में कहा कि मैंने देखा केवल ए और बी ने ही जो है सी को मारा, और बाद में वो कहते हैं ए बी एंड डी तीनों लोग थे। तो ये जो स्टेटमेंट है उसकी FIR के अंदर और जो टेस्टिमनी में है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट जो है आपका कर रही है। तो सेक्शन 145 में ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज हो सकती है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि FIR कौन लॉज करवा सकता है, सपोज FIR जो है, जो लॉज करवाया है, जिसने रजिस्टर करवाया है, वो इन्फॉर्मेंट आई विटनेस है, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रायल के दौरान भी आपका जो है वो विटनेस होगा, उसकी टेस्टिमनी होगी, और टेस्टिमनी में जो है उसने जो चीज़ें फैक्ट स्टेटेड किए हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट और आपका कॉरोबोरेटिव जो भी पर्पज हो रहा है उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन सपोज माइनर वेरिएशन है, बिकॉज माइनर वेरिएशन हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो माइनर वेरिएशन को कोर्ट नेग्लेक्ट करता है। अब सपोज अक्यूज जो है उसने ऑफेंस कमिट करने के बाद में खुद पुलिस स्टेशन जाके ही गेव द इंफॉर्मेशन एंड ऑन दैट FIR वाज लॉज। ऐसा होता है, रेयर होता है, अक्यूज नहीं करता है लेकिन रेयर होता है। एक बड़ा ही फेमस केस है, अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आफ्टर कमिटिंग यू नो द मर्डर, अक्यूज वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड ही स्टेटेड ऑल द फैक्ट्स। अब ऐसी सिचुएशन में जो अक्यूज है, दैट इज ही इज द इन्फॉर्मेंट, अगर अक्यूज की जो इन्फॉर्मेशन दी है जिसपे FIR रजिस्टर हुई है, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन है, तो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो कन्फेशनरी स्टेटमेंट एंड दैट इज गिवन बिफोर द पुलिस ऑफिसर, वो प्रूव नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज नॉट एडमिसिबल। रिलेवेंट है बट नॉट एडमिसिबल। एंड कन्फेशन क्या होता है, इस पे एक बड़ा फेमस केस है, पाकला नारायण स्वामी। पाकला नारायण स्वामी ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति या तो अपना गिल्ट जो है वो एडमिट कर लेता है, या एट एनी रेट ऑल दोज फैक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस उसको एडमिट करता है, जैसे ए ने कहा कि हाँ मैंने चक्कू खरीदा, फिर मैं उसके घर पे गया और फिर मैंने वहाँ पे देखा कि वो बैठा हुआ है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जो कि उसने ही स्टैब किया ये वाली बात वो जो है छुपा लेता है, तो ये सारे फैक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करके ये उस मर्डर को, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को
पूरी तरह से प्रूव करते हैं। तो अगर कन्फेशन है सो दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। लेकिन सपोज अगर पूरी तरह से गिल्ट स्वीकार नहीं करता लेकिन कुछ चीजें कहता है कि यस आई वेंट एट द क्राइम सीन, सो दैट इज इन फॉर्म ऑफ यू नो एडमिशन। एंड सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एडमिशन को रिलेवेंट फैक्ट मानता है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेंट अक्यूज इन्फॉर्मेंट उसमें कुछ भी फैक्ट स्टेट करता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ आपका एडमिशन है, सो दैट कैन आल्सो बी प्रूव्ड। उसके अलावा क्या होता है कि सपोज विक्टिम जो है आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसके ऊपर जब ऑफेंस कमिट हुआ तो उसके तुरंत बाद वो FIR लॉज करवाता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये शो करता है आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो सेक्शन 8 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। सो इट शोज द सब्सिक्वेंट कंडक्ट दैट जस्ट आफ्टर ऑफेंस वॉज कमिटेड ऑन द विक्टिम, ही और सी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज द FIR। एंड इन द रेप केसेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस कि ऑफेंस जब हुआ उसके थोड़े देर बाद में या कुछ घंटे बाद में ही विक्टिम जो है वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाके वो FIR जो है लॉज करवाती है। अब ये जो ऐसा नहीं कि जो उसने फैक्ट स्टेट किए हैं कि मेरा रेप ऐसे ऐसे हुआ और इसने किया, उसका नहीं है, लेकिन हाँ ये इन्होंने टाइमली प्रॉम्प्टली किया तो दैट श्योर कि वो कोई ट्यूटर्ड नहीं है, उसने जो स्टोरी की है वो ट्यूटर्ड नहीं है और ये जो है आपका नेचुरल कंसिक्वेंस कंडक्ट दिखाता है। सो इन द सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये रिलेवेंट है। अगर सपोज करो डिले है ऑफेंस होने के बाद में काफ़ी डिले है तो ये भी सब्सिक्वेंट कंडक्ट करता है और ट्रायल के दौरान पूछा जा सकता है कि अगर ऑफेंस हुआ, ऐसा ऑफेंस आपके ऊपर कमिट हुआ तो आप पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं अप्रोच किए। सो इस सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में भी जो है FIR को की एविडेंशियरी वैल्यू होती है। सपोज करो कई बार विक्टिम जो है वो आपका पुलिस स्टेशन पे गई और उसने बताया कि दिस एंड दिस ऑफेंस वाज कमिटेड अगेंस्ट हर और हिम, और उसके बाद में ये FIR लॉज होने के बाद में वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पीस ऑफ FIR है दैट कैन बी ट्रीटेड एज द डाइंग डिक्लेरेशन। एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो डाइंग डिक्लेरेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस। एंड अगर डाइंग डिक्लेरेशन सारे फैक्ट्स जो नरेट किए गए हैं उसको प्रॉपर बताता है सो दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन। सो दीज आर द वेरियस सेक्शंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर विच यू नो द FIR की एविडेंशियरी वैल्यू हमें पता चलती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।